You're a superhero. Hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ ऋतिक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं द क्रेजी ऋतिक वाइटी चैनल। तो दोस्तों, हमारे Xiaomi यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस को लेकर मैं गुड न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तीन डिवाइस के अंदर सीधे एक साथ अपडेट देखने को मिला है। Xiaomi पूरी तरीके से दोस्तों हमारे ऊपर मेहरबान हो चुका है, गालियाँ खा खा के। जी हाँ दोस्तों, गालियाँ से इसका पेट भर चुका है, इसीलिए दोस्तों हमें अपडेट दे रहा है। क्योंकि दोस्तों हाल ही फिलहाल में जो हमें Note 7 Pro के अंदर अपडेट देखने को मिला था, जो कि सबसे ज़्यादा गालियाँ हमारे Note 7 Pro यूजर्स ने ही दी थी उनको। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कौन कौन सी डिवाइस को हमें जो अपडेट देखने को मिला है और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हैं और कब तक दोस्तों जो जिनमें अभी तक म्यूटल नहीं है उनको कब तक जो आएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहला डिवाइस जो मेरा अभी है, मैं आपको बता दूं, Redmi Note 5 Pro। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या मिला है मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसका वर्ज़न पहले आप देख लीजिए क्या है। इसका वर्ज़न है दोस्तों वर्ज़न 11.0.5.0 का। दोस्तों ये ग्लोबल अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल का स्टेबल अपडेट है जो कि सभी यूज़र्स को नहीं मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कब तक सभी यूज़र्स को मिल जाएगा। दोस्तों आपको जो है वेट कर लेना होगा एक से दो हफ्ते का, उसके अंदर दोस्तों आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब चलो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर चेंजेस क्या हैं। तो दोस्तों इसके अंदर चेंजेस ये हैं कि इसके अंदर दोस्तों आपको जो बैंड ऐप्स थी वो इनको रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बैंड ऐप को रिमूव कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। और उसके बाद दोस्तों दूसरा, इसके अंदर जो अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे हमें अभी तक नहीं मिला है, कैसे जो इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आप, मैं बता दूं, पार्शियल अपडेट है और मुश्किल है दोस्तों ये अपडेट से होगा। फिर भी अगर दोस्तों आपके फ़ोन में कोई TWRP इंस्टॉल है तो आप लोग दोस्तों जो क्या कर सकते हैं, रिकवरी रोम मैंने दे रखी है इसकी मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो दोस्तों इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कि कैसे जो इसको अपडेट करना है। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमारे Redmi Note 9 Pro यूजर्स के लिए भी दोस्तों गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। उनके लिए दोस्तों जो है फुल्ली रोल आउट हो चुका है उनका MIUI 12 का वर्जन 12.0.1.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, फुल रोल आउट हो चुका है हमारे सभी Redmi Note 9 Pro यूजर्स को अपडेट देखने को मिल जाएगा। उनकी डिवाइस में नहीं मिला है तो दोस्तों कुछ डरने की बात नहीं है, आपको एक दो दिन के अंदर दोबारा मिल ही जाएगा। और अगर अभी चाहते हो अभी करना है तो दोस्तों आप क्या करो, हमारे डिस्क्रिप्शन जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए लिंक को। और लिंक करने के बाद दोस्तों फ्लैश कर लीजिए अपडेटर में जाके। दोस्तों आपको प्रोसेस मैंने पहले बता दी है। तो दोस्तों तीसरा डिवाइस हमारा जो है वो है Redmi Note 7 S। जहाँ दोस्तों Redmi Note 7 के S के अंदर दोस्तों हमें अभी MIUI 12 तो नहीं मिला है, पर दोस्तों इसके अंदर हमें जो मिला है, क्या मिला है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दोस्तों मिला है हमें Android 10 का अपडेट, जिसके साथ हमें मिलता है सिक्योरिटी पैच अगस्त का। और दोस्तों इसका वर्जन है वर्जन 11.0.4.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट है। 2 GB का अपडेट हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं इसके अंदर के जो MIUI 12 कब तक आएगा। तो दोस्तों आपको जो है अक्टूबर मिड तक देखने को हमें मिल सकता है अपडेट इसके अंदर। तब तक आपको दोस्तों जो है वेट कर लेना होगा और उसी के बाद दोस्तों आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको और भी कोई डाउट पूछना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर दोस्तों मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों यही था वीडियो, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।